बीजेपी का मिशन 80 वर्सेस समाजवादी पार्टी का मिशन 80, और ऐसे में आप जनता को तय करना है कि ये जनता 2024 में उत्तर प्रदेश में किस दल पर भरोसा करेगी। ये पूरी जो राजनीति है इस पर बीजेपी की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है अखिलेश यादव का, ये जोक ऑफ द सेंचुरी है। हमारे साथ बात करने के लिए इस पूरे मसले पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सोमन साहब है। सर, आपने, आपके नेता ने नारा गढ़ा कि 80 सीटें आ रही हैं, 80 हराओ भाजपा हटाओ, इसके बाद बीजेपी की तरफ से इस पर चुटकियाँ ली जाने लगी, मजाक उड़ाया जाने लगा, तो ये मजाक क्या लग रहा है? ये एक तो होता है कि बार पर पलटवार करना, किसी भी बात पर उसको प्रत्युत्तर करना, लेकिन वो तो मजाक ले रहे हैं, बोले कि बहुत, ये तो समाजवादी पार्टी सीरियस ही नहीं है इसमें, 80 सीटें तो आ ही नहीं सकती। देखिए, सवाल भाषा का नहीं, भाव का है, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो कहना है वो ये है कि सत्ता का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से निकलता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश में भाजपा को हरा देंगे तो किसी भी कीमत पर दिल्ली में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। तो हमारी कोशिश ये है कि, और जनता के मिजाज को देख कर के हम कह सकते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराएंगे। क्या लग रहा है सर, कल SPC बघेल ने कहा कि ये जोक ऑफ द सेंचुरी है, तो इसको लेकर ये जोक ऑफ द सेंचुरी, वो उनको लग रहा है कि ये बहुत ही हल्के माहौल में या हल्का बयान है अखिलेश यादव? किसने क्या कहा मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता भाजपा के खिलाफ पूरे देश में वातावरण बन रहा है और लोग बीजेपी को हराने के मूड में हैं। हमारा प्रयास ये है कि उत्तर प्रदेश में इतनी सारी सीटें हैं, अगर एक बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में हम बीजेपी को हरा देंगे तो फिर प्रतिपक्ष की सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार नहीं बन सकती। सर, लगातार तीसरे मोर्चे में थर्ड फ्रंट लगातार धरातल पर अस्तित्व में आए, इसको लेकर तमाम कवायद चल रही है, 23 तारीख को एक बड़ी मीटिंग है, लेकिन सर यूपी में एक मजबूत पार्टी है BSP, वो उसको बुलाया नहीं गया, उसके पीछे क्या लगता है, ये क्यों नहीं बुलाया गया BSP को, आपको क्या लगता है, जबकि उनकी 10 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी की 5 सीटें इस समय वर्तमान स्थिति में, उसमें 2 सीटें आप उपचुनाव में हार गए। आप तो पत्रकार हैं, पूरे हिंदुस्तान में कवायद हो रही है कि प्रतिपक्ष की पार्टियां हैं बीजेपी के खिलाफ, जो धर्मनिरपेक्ष शक्तियां हैं उस वोट का बंटवारा न हो, और एक विनम्र प्रयास किया जा रहा है। जहां तक बसपा के शामिल करने का सवाल है, आप जानते हैं बसपा ने पहले ही स्टैंड ये ले लिया है कि उत्तर प्रदेश में हम अकेले लड़ेंगे, तो उसके बुलाने का कोई औचित्य नहीं। क्या एक बार फिर से बात की जानी चाहिए, जिस तरह से 2019 में चीज़ें रहीं कि सपा बसपा को एक साथ लाया जाए, आपको क्या लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि ये चीज़ें अगर बसपा से अगर बात की जाए और एक बार फिर से गठबंधन में उनको शामिल किया जाए तो शायद बीजेपी को रोकने में और ज़्यादा मजबूती आएगी? हमारे बसपा के साथ जो अनुभव है वो अच्छे नहीं रहे। अखिलेश यादव जी ने पूरे सम्मान के साथ BSP के साथ समझौता किया, उनकी शर्तों पर समझौता किया, और वो समझौता हमें मुफीद हुआ या नहीं हुआ, जिस दल का कोई भी सदस्य लोकसभा में नहीं था 2014 में, उसके 10 लोग जीत गए, हम 5 के 5 रहे। तो जो अनुभव है, जिस तरह से गठबंधन तोड़ा बसपा सुप्रीमो ने, उसका कोई औचित्य नहीं था। अगर किसी के पास कोई लॉजिक है, आधार है, तो बात समझ में आती है। जहाँ किसी के समझ में आधार ही नहीं समझ में आता हो, लॉजिक समझ में नहीं आता हो, कोई गुणदोष के आधार पर फैसला करने को तैयार नहीं, ऐसे लोगों से बात करने का कोई औचित्य नहीं है। क्या लगता है कि सर, इस ये भी वजह है कि एक ये कहा जाने लगा है कि बीजेपी की बी टीम हो गई है मैं नहीं जानता क्या हो गई है, लेकिन बसपा सुप्रीमो का हर एक फैसला, हर एक बयान बीजेपी को लाभ देने वाला है, प्रतिपक्ष की ताकत बढ़ाने वाला नहीं है। आखिरी सवाल सर, 23 तारीख को सर थर्ड फ्रंट बैठेगा, तमाम नेता जिसमें अखिलेश जी से लेकर केजरीवाल, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, तो क्या लग रहा है चीज़ें आगे बढ़ेंगी, किस तरह से देखते हैं आप, क्या भविष्य नज़र आता है? एक प्रक्रिया है, एक शुरुआत है, और मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला कोई आखिरी शक्ल नहीं ले रहा है, ये पहली बैठक है और पहली बैठक में एक सिलसिला शुरू हो रहा है, बातचीत शुरू हो रही है, कोशिश ये की जा रही है कि सब लोग मिलकर के बीजेपी के खिलाफ लड़ें, एक विनम्र प्रयास है, आगे चीज़ें और पकेंगी और लोग फैसला करेंगे, और मैं समझता हूँ जो दल अभी तक साफ नहीं है, थोड़े समय में वो समझेंगे कि आज के देश की हालात ये है कि बीजेपी के खिलाफ जितने भी सेकुलर फोर्सेस है, हम सब लोगों को मिल करके चुनाव लड़ना चाहिए। 200 प्रभारियों की मीटिंग है सर आज समाजवादी पार्टी कार्यालय बुलाई गई है, तो आप लोगों की तैयारियां काफ़ी तेज़ हो चुकी हैं, लखीमपुर खीरी नैमिषारण के बाद, अब तो आप लोग लगातार अपने मिशन 2024 के मद्देनजर जुटे हुए हैं। कह रही क्या बात है, 2024 बहुत करीब है, और अपनी तरफ से जो बेहतर प्रयास हो सकता है समाजवादी पार्टी की करने की कोशिश कर रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष सक्रिय है,
विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं और मैं समझता हूँ पूरी तरह से मुस्तैद हैं, तैयार हैं 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। पूरी तरह से समाजवादी पार्टी तैयार है, रामजीलाल सोमन जी का यही कहना है। हालांकि बीएसपी के स्टैंड को लेकर उनका साफ कहना है कि बीएसपी की जो क्रेडिबिलिटी रही है वो इस तरह की नहीं रही है, इसलिए थर्ड फ्रंट में उनको बुलावा नहीं भेजा गया है। और जो थर्ड फ्रंट की जिस तरह से जो उसको उसके फॉर्मेशन को लेकर जो कवायद चल रही है वो शुरुआती दौर में, तो कुल मिला के लगातार राजनीति आगे बढ़ रही है और सबकी नज़रें अब मिशन 2024 पर टिकी हुई हैं। आगरा से कैमरामैन विकास गुप्ता के साथ नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।